मैं हूँ पत्राली चट्टोपाध्याय यानी क्या हाल मिस्टर पांचाल की प्रेमा। और आज मैं आपके साथ पूरा एक दिन बिताने वाली हूँ। जहाँ मैं झूमूंगी, नाचूंगी, और अपने स्वीट होम की सैर करवाऊंगी, अपनी फेवरेट ब्लैक कॉफी पिलाऊंगी, योगा के गुण सिखाऊंगी, हेल्दी ब्रेकफास्ट करवाऊंगी और अपने सेट के साथियों से भी मिलवाऊंगी। तो हो जाइए तैयार करने मेरे यानी पत्राली संग ओरिजिनल वाला डे आउट। जी हाँ, मिस्टर पांचाल की बीवी प्रेमा को सीरियल में तो आप देखते ही हैं, लेकिन असल जिंदगी में कैसी है पत्राली? क्या है इस बंगाली वाला की पसंद नापसंद और कैसे बीतता है इनका पूरा दिन? ये सब आज आपको दिखाएगा सास बहू और बेटियाँ। तो चलिए सुबह सवेरे चलते हैं पत्राली के घर और कहते हैं उनको गुड मॉर्निंग। तो वेलकम सास बहू और बेटिया, ये मेरे घर पे आप सबके स्वागत है। एंड आज मैं पूरा दिन आप सबके साथ बिताने वाली हूँ। आपको पता चल जाएगा हाउ पत्राली ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्रेमा पांचाल। सो ये मेरा घर है। पत्राली कोलकाता की रहने वाली है और 2 साल पहले यानी 2016 में वो मुंबई शिफ्ट हुई, जहाँ वो अकेले ही रहती है। जैसे कि आप देख सकते हो मैं अभी अभी उठी हूँ। सो इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग, मैं आप सबके साथ बिताऊंगी आज। और मैं आप सबको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, सुबह सुबह उठ के आई मेक श्योर मैं यहीं पे आऊँ, प्लीज कम। पत्राली के दिन की शुरुआत होती है उनकी फेवरेट ब्लैक कॉफी के साथ, जिसे वो अपनी बालकनी में खड़े होकर पीना एंजॉय करती है। तो ये है मेरी बालकनी, सुबह सुबह उठ के मैं यहीं पे आती हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीनरी है एंड एक अमेजिंग सा व्यू है। ये रही मेरी ब्लैक कॉफी, माय फेवरेट थिंग, और दिन में मैं 4-5 कप ब्लैक कॉफी पी लेती हूँ। तो सुबह सुबह की मस्ती वाली शुरुआत मेरी हो जाती है ब्लैक कॉफी के साथ और उस बालकनी व्यू के साथ, और अब होगी हेल्दी वाला शुरुआत योगा के साथ। भाई यूं तो पत्राली योगा करके खुद को फिट रखती है, लेकिन उनको डांस करना भी बेहद पसंद है। तो क्यों ना योगा से पहले हो जाए एक डांस सेशन। और डांस परफॉर्मेंस के बाद बारी थी योगा की, जिसके बिना पत्राली की सुबह अधूरी रहती है। सो यस, इट्स योगा टाइम, और योगा मैं बहुत अलग तरीके से करती हूँ। जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो योगा भी करती हूँ एक अलग तरीके की म्यूजिक चला के।
म्यूजिक के साथ जब भी मैं योगा करती हूँ आई फील मोर रिफ्रेश, जैसे आप देख सकते हैं टोटली रिफ्रेश नाउ। तो जल्दी से काम करते हैं, सेट पे जाना है, शूट भी करना है, तो ब्रेकफास्ट बनाते खाते और फिर जाते हैं। जी हाँ, योगा के बाद बारी है हेल्दी ब्रेकफास्ट की, तो चलिए चलते हैं पत्राली की रसोई में। हर रोज मुझे कोकोनट वाटर जरूर चाहिए, सो देखिए बहुत सारे मेरे स्टॉक में है, तो अभी कुछ बनाते हैं। सो लेट्स सी क्या बना सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने बना लिया था, और ताकि मुझे टाइम ना लगे, सो ऑलरेडी इट्स प्रिपेयर्ड, बट देन आई एम जस्ट गोइंग टू वार्म दिस अप। मैं इसको सौते कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बेल पेपर है, मशरूम है, ब्रोकली है, एंड देयर इज सम फेटा चीज विच इज़ वेरी हेल्दी। सो योगा के बाद मैं प्रेफर करती हूँ कुछ हेल्दी खाना, तो मैं यही ले लेती हूँ। और फ्रूट्स जैसे कि आप देख सकते हैं, पपीता है, पोमेग्रेनेट है। दिस इज माई हेल्दी ब्रेकफास्ट, जल्दी जल्दी खाते हैं और जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। चलिए, तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया है, अब मैं रेडी हो जाती हूँ, स्टूडियो में जाना है, शूट करना है, बहुत सारे मस्ती करना है। सो यस, कम, आई विल बी बैक सून। सो यस, मैं रेडी हो गई हूँ, ऑल सेट टू गो। जी हाँ, पत्राली तैयार है सेट पर जाने के लिए, लेकिन उससे पहले हो जाए उनके प्यारे से आशियाने की सैर और देख ली जाए घर में उनकी फेवरेट चीजें। ये लैंप मुझे बहुत पसंद है, और एक लैंप है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि ये बुद्धा हैंगिंग लैंप है, मैं जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ तो इसको ऑन करके करती हूँ। एंड दिस इज ऑल्सो कैंडल लैम्प, स्मॉल थिंग, मेले से मैंने लिया था। So also this is my favorite. मुझे white color जैसे पसंद है, तो ये घर white है, उसमें दो तीन चीज़ें colorful मैंने रखने की कोशिश किया है, जैसे कि ये flowers, no, they are very colorful, and also those cushions, this लाइक पॉप आउट कलर मैंने रखने की कोशिश किया है, ताकि ये वाइट कलर का जो घर है वो बहुत ब्राइट लगे। एंड आउल ये और एक आइटम है जो मुझे बहुत पसंद है। एंड दिस इज़ लाइक इंस्पिरेशन कोट्स, सो ये भी मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए और एक लैम्प है, मेरे घर में लैम्प ही लैम्प है, लाइट कलर फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है। वैसे पत्राली की आधी दुनिया तो रहती है उनके बैग में, वो बैग जो हमेशा रहता है उनके साथ। तो चलिए देखते हैं क्या है पत्राली के पिटारे में। सो अभी बहुत कुछ सामान है इसमें, ये हर एक चीज मेरे लिए हर एक दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे सब कुछ ले जाना होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम माई क्रीम, माई न्यूज पेपर, माई नेल पॉलिश, माई मेकअप बॉक्स, यू नो मॉइस्चराइजर, फिर मेडिसिन भी है, एंड माई चार्जर, माई ईयरफोन, माई मोबाइल, एंड मेनी मोर थिंग्स, यू नो। सो या, हेवी होगी बैग, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे उनके बैग में रहती है एक और चीज जो है उनको बेहद प्यारी। पत्राली का एक्टिंग का हुनर तो आप पर्दे पर देखते ही हैं, लेकिन सास बहू और बेटिया को उन्होंने बताया अपने एक और हिडन टैलेंट के बारे में। और एक इम्पोर्टेंट चीज है, अभी मैंने लर्न करना स्टार्ट किया ऑनलाइन, वो है ये गिटार। सो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ये प्ले करके एक गाना गा के जरूर सुनाऊंगी, लेकिन अभी बस मैं लर्न ही कर रही हूँ, तो इसीलिए सॉरी मैं कुछ सुना नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, आपका गाना सुनने के लिए हम इंतजार कर लेंगे पत्राली, लेकिन सेट पर जाने से पहले एक बार जरा मस्ती भरा डांस फिर हो जाए।
घर पर पत्राली की झूमती गाती दुनिया तो आपने देख ली और अब बारी है बैग उठाकर शूटिंग पर चलने की। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं सेट पे, वहाँ पे भी और बहुत सारे मस्ती करते हैं। पत्राली रहती है मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में और उनके सीरियल क्या हाल मिस्टर पांचाल का सेट है साकिना का अंधेरी ईस्ट में। भाई दूरी तो ज्यादा नहीं, लेकिन मुंबई के ट्रैफिक के चलते उन्हें काफी वक्त बिताना पड़ता है गाड़ी में। सास बहू और बेटिया के साथ अपने सेट तक के सफर में पत्राली ने ढेर सारी मस्ती तो की ही और साथ ही हमें सुनाई अपने करियर की कहानी। I was doing job in Hyderabad for Google, but for some reason, for some personal reason, I had to come back Calcutta. में वापस आ गई और वापस आने के बाद भी I was trying कि मैं मुझे यहाँ पे कोई job मिल जाए, लेकिन suddenly पता नहीं कैसे I got offer for anchoring, TV anchoring, एक sports show के लिए extra time. सो इनिशियली मैंने मना कर दिया था क्योंकि मुझे एंकरिंग का ना तो कोई एक्सपीरियंस है, बट देन उन लोगों को एक फेस चाहिए था, एंड दे वर लाइक कि डोंट वरी, आपको सिर्फ 2-3 दिन आना है तो आप जॉब भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो वो करते करते ना आई गॉट ऑफर फॉर टीवी शोज, मूवीज़, पर फिर भी मेरा मन नहीं था। जनवरी 2016 में आखिरकार पत्राली मुंबई पहुंच गई और यहां उन्होंने एन टीवी के सीरियल हम है क्वीन से की अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत, जिसमें उन्हें अपने घर वालों का मिला पूरा साथ। मेरी कजिन सिस्टर, उसने मुझे बहुत हेल्प किया, माय फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। तो वो शो मैंने किया, उस शो के बाद 2-3 शो में मैंने कैमियोज किए, जैसे कि शनि चंद्रकांता में, और उसके बाद से मैं पांचाल फैमिली का मेंबर बन गई। तो ही बातों में कट गया सफर और आखिरकार हम पहुंच गए मिस्टर पांचाल के सेट पर, जहां पत्राली हमें लेकर गई अपने मेकअप रूम में। और अब बारी थी कलाकार के किरदार में ढलने की, यानी पत्राली के मिसेस प्रेमा पांचाल बनने की। अपने किरदार में ढलने के लिए पत्राली का होता है खास मेकअप और साथ ही खास अंदाज में संवारे जाते हैं उनके बाल। सो यस, मेकअप कंप्लीट, हेयर डन, जैसे आप देख सकते हो स्टाइलिश प्रेमा वाला मेकअप एंड हेयर। सो अभी कॉस्ट्यूम तो ये नहीं है, तो कॉस्ट्यूम चेंज करना पड़ेगा और कॉस्ट्यूम ऑलरेडी आ गया। सो यस, टुडे आई एम वेयरिंग दिस साड़ी, यू नो, ऑल लिटिल ऑरेंजिश, पिंकिश, पीच, सारे मेरे फेवरेट्स कलर है। तो भाई पलक झपकते ही हो गया पत्राली का मेकओवर और साड़ी पहनकर वो बन गई मिसेस प्रेमा पांचाल। जैसे कि आप सब देख सकते हो मैं एकदम रेडी हो गई हूँ विद प्रेमा गेटअप। पहले पत्राली थी आप सबके साथ, अभी इट्स प्रेमा पांचाल। भाई शूटिंग शुरू होने में अभी वक्त था, तो ऐसे में पत्राली पहुँच गई अपनी सासू माँ कुंती से मिलने और उनके साथ लंच का मजा लेने। दिस माय फूड एंड दिस इज मैयाज रूम। सो सबसे पहले जब भी मैं आती हूँ स्टूडियो में, मेकअप रेडी, मतलब रेडी होने के बाद मैं दो काम करती हूँ, सबको जाकर गुड मॉर्निंग बोलती हूँ।
सबसे पहले मैं इनको गुड मॉर्निंग बोलने आती हूँ। बहू है मेरे पास तो आना ही पड़ेगा। सब जो इन्हें देखते हैं स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और इनका जो करेक्टर है वो बहुत ही रोमांटिक भी है। नो डाउट खूबसूरत जितनी दिखती हैं अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत है। भाई कैमरे के पीछे प्रेमा और उनकी सासू माँ की केमिस्ट्री कमाल की है। ऐसे एक टीम के साथ मैं काम कर रही हूँ जिनमें से मोस्ट ऑफ द पीपल आर सो वेलकमिंग, क्योंकि आप सबको पता है मैंने मिडिल में स्टार्ट किया था। एंड शी इज़ इंस्पिरेशन। मैं ये सबको बता दूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं कैमरा के सामने बोलने के लिए बोल रही हूँ, इनको भी पता है कि मैं बहुत मानती हूँ इनको एंड आई नीड हर ब्लेसिंग एवरी टाइम। रियल लाइफ केमिस्ट्री तो प्रेमा की अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के साथ भी देखने लायक है। वो दोनों ना सिर्फ अपना मेकअप रूम शेयर करती है बल्कि करती है ढेर सारी मस्ती भी। इसके ना ये मन में वो गंदगी जो बोलते हैं ना सबके पीछे कुछ बोलना लोगों के, वैसी नहीं है ये, जो होते हैं ना बोल देती है, हाँ ये नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं अच्छा लग रहा, अगर मतलब मुंह पे बोल देगी है तो दिल में कुछ छुपा के नहीं रखती। और ये एक ऐसी लड़की है मुझे लगता है जिसके पास अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेकर जाओगे तो ये सपोर्ट करेगी। बस्ती के बाद पारी है पत्राली के सेट की सैर करने की। रहा हमारा सेट, देख सकते हैं आप, भोले बाबा के लिए एक स्थान है वहाँ पे। मैं जब भी आती हूँ मैं पहले वहाँ पे जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ। ये है हमारी प्यारी सी ननद जी कुसो। बुद्धि, ये है प्यारी सी बुद्धि। अच्छा मीट दीवा एंड दिस इज आवर डायरेक्टर सर। सर गुड मॉर्निंग। सो यस दिस इज आवर सेट क्या हाल मिस्टर पांचाल के अंदर जितने भी भूचाल्स होते हैं, जितने भी मस्तियाँ हम करते हैं यहीं पे करते हैं। अब तो जानती है मंजीरी को कुकिंग एक्सपर्ट, सो शी इज माई फेवरेट भगिनी, है ना बेबी। तो सास बहु और बेटिया में आज आपने क्या हाल मिस्टर पांचाल की प्रेमा बहु के साथ बिताया एक पूरा दिन और जाना कि कैसे रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी है वो एकदम चुलबुली। और सास बहु और बेटिया में यही होती है हमारी कोशिश कि हम आपको दिखाएं आपके सितारों की असली दुनिया। दिस वॉज सम अमेजिंग लाइक मोमेंट्स आई हैव स्पेंड विद सास बहु एंड बेटिया। तो बहुत एनर्जेटिक एक दिन था, बहुत मस्ती किया हमने मेकअप रूम से स्टार्ट करके सेट पे। तो मैं थक चुकी हूँ ऑलरेडी, इट्स बैकअप टाइम, बट मैंने जैसे इन्जॉय किया आई होप कि आप सबको ये डे आउट, मेरा डे आउट बहुत पसंद आए। सो यस एंड सी यू वेरी सून, साइनिंग ऑफ। श्रुति बरजातिया, मुंबई आज तक।